तो अच्छा एक चीज़ आप बताइए, सबसे आपका लोएस्ट यहाँ पे कोई अगर बाइक लेना चाहेगी सबसे कम प्राइस में तो कितना तक के मिल जाएगा? 15 से 20 के। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम आप लोग को एक सेकंड हैंड बाइक शोरूम पे लेके आए हैं। यहाँ पे आपकी डिमांड के हिसाब से, मतलब आप लोग का डिमांड था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट आते हैं जिनका डिमांड रहता है कि सेकंड हैंड बाइक खरीदना है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और उनको ज़्यादा दिन यहाँ रहना नहीं होता है। तो आप ही लोग के डिमांड पर एक शोरूम है यहाँ पे, जहाँ पे आपको अच्छे कंडीशन में आप अच्छे से चला सकते हो। और आपको यहाँ पे क्रूज़ बाइक मिल जाएगा, स्कूटी मिल जाएगा, रॉयल एनफील्ड के भी बाइक मिल जाएंगे, या फिर जो भी आपका डिमांड रहेगा वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बाइक आपको दिखाते हैं और उसका प्राइस ये सही बताते हैं कि किस रेंज में वेरी करता है यहाँ का बाइक ये सब। तो सबसे पहले यहाँ मिलवाते हैं जितेंद्र भैया से, जिनको हम पहले से ही जानते, हम लोग सडन मिल गए तो पहले से ही थोड़ा हम लोग का जान पहचान था। तो भैया से बात हुआ तो बस आ गए कि एक रिव्यू देते हैं, और साथ में हम भी प्लान कर रहे हैं एक बाइक खरीदने का, क्योंकि एक बजट बाइक है ना भैया। तो भैया सबसे पहले दिखाएंगे आपको कुछ बाइक। तो स्कूटी भी हम दिखाते हैं, सबसे पहले स्कूटी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्कूटी का डिमांड बहुत होता है और देहरादून की जान है स्कूटी। कोई भी स्टूडेंट आता है तो स्कूटी ज़रूरी लेता है। देखिए ये एक्टिवा 5G 2018 मॉडल है। हाँ हाँ, लोएस्ट बजट में ये तकरीबन आपको पड़ेगी 50,000 रुपये के आसपास। अच्छा, और बिल्कुल ब्रांड न्यू स्कूटी है। ये कितना किलोमीटर चला हुआ है? चलिए 20,000 वाली। आप देख सकते हैं कोई बॉडी में कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, लेस यूज स्कूटी है। मतलब सिंगल ओनर है, बिल्कुल फर्स्ट ओनर गाड़ी मिलेगी आपको, फर्स्ट हैंड। हाँ, और एक ये हो गई, ये भी एक्टिवा 5G है, 2018 मॉडल है। ये भी बहुत कम ही चली है आपका, ये 14,000 ही चली है वहाँ तक। फेसबुक 14,000। हाँ अच्छा, और कौन 2014 मॉडल है? ये 18 मॉडल है, 18 का। डिमांड कितना है इसका? आपका पड़ेगा 56,000 रुपये। 56,000 का डिमांड। बिल्कुल फर्स्ट हैंड गाड़ी मिलेगी, फर्स्ट ओनर मिलेगा, और इंश्योरेंस वगैरह आपको सब कंप्लीट मिलेगा। ट्रांसफ़र भी जो यहाँ लेते हो तो आप ट्रांसफ़र भी हमें करा देते हो। आप ट्रांसफ़र करवा देते हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। और इंश्योरेंस ये सब सब करा के 1 साल का इंश्योरेंस मिलेगा आपको, और आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जैसे ये 2017 मॉडल है, ये भी एक्टिवा। हमारे पास एक्टिवा की ज़्यादा मार्केट है, क्योंकि ये लोकल बंदे के लिए एक्टिवा बेस्ट रहता है। हाँ, यहाँ पे देहरादून में जितने लोग आते हैं ना, देहरादून में हम पहले ही बात किए कि स्कूटी का बहुत ज़्यादा डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग कोई भी स्टूडेंट आता है या फिर कोई भी आते हैं, थोड़ा सा मतलब इसका बजट में आता है और मेंटेनेंस भी कम है, और लोकल के लिए बेस्ट है। सामान वगैरह कैरी करने के लिए हो गया आपका, और ये इसे कोई भी चला सकता है, लेडीज़ वगैरह, बच्चा वगैरह सब चला सकता है। तो इसलिए एक्टिवा की ज़्यादा ही। 2017 मॉडल है, ये भी बहुत कम चली है, 20,000 चली है मात्र। 20,000 चली। हाँ जी। अच्छा, बाकी और ये बर्गमैन है, कौन सी? सुजुकी वालों की है ये 2018 मॉडल। अच्छा, इसका डिमांड कितना है? इसका तकरीबन होगा आपका 58,000 के आसपास। 58,000। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब कोई भी बाइक अगर कोई लेते हैं तो आप उसको ट्रांसफ़र करवा के देते? बिल्कुल, ट्रांसफ़र करा के देंगे, और 1 साल का इंश्योरेंस मिलेगा। अच्छा हाँ, मतलब कि कोई भी कस्टमर आता है तो उसको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा? नहीं, जो बजट आपको बताया बस उसके अंदर में आपको ट्रांसफ़र और इंश्योरेंस मिलेगा। बाकी ऐसे बहुत सारी स्कूटियाँ है, 18-17 ऊँचे मॉडल भी, नीचा मॉडल भी है, सब अपने अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। सबसे लोएस्ट आपके यहाँ कितना का स्कूटी अवेलेबल होगा, तो सबसे लोएस्ट मॉडल कोई ये मान के चलिए 2012-13। 12-13 वो 20 से 25 के रेंज में मिल जाएगा। 20 से 25 के रेंज। सोच लो आप लोग कि स्कूटी आपको 20 से 25,000 में मिल रहा है, इतने कम रेंज पे, और वो भी 12 का मॉडल पे। जो स्टूडेंट लोग वगैरह आते हैं जिनका बजट कम होता है, वो इजिली ले जाते हैं यहाँ से, बहुत ही स्टूडेंट ले रहे हैं हमारे यहाँ। मतलब लो बजट में आपको एक अच्छा सा गाड़ी मिलने वाला है, और वो भी कंडीशन भी आपको बढ़िया मिल जाएगा। यहाँ पे सर्विस करा के देते हैं। अच्छा, सर्विस करा के देते हैं? बिल्कुल, 3 महीने तक कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं है, सर गाड़ी लीजिए और चलाइएगा। तो स्कूटी के अलावा आपके पास और कौन सी गाड़ी के भी है? स्पोर्ट बाइक है, जैसे ये हो गया आपका पल्सर हो गया 2016 मॉडल। पल्सर 2016 मॉडल, एएस मॉडल है 2016 मॉडल, ये मिल जाएगा आपको। और डिमांड इसका क्या है? इसका डिमांड है आपका 45,000 रुपये। 45,000। कितने सीसी का है? ये 150 का। ये FZD हो गया 2012 मॉडल। चला हुआ कितना है ये? तकरीबन चला होगा आपका 37,000। 37,000 चला। ये तो FZD है, यामा की FZD है, 2012 मॉडल है। इसका मार्केट प्राइस है फिलहाल का जो 33,000। अच्छा, 33। तो देखो, मतलब हम भी ऐसे यामा ही चला रहे हैं अभी, यामा FZD। तो मेरा तो बहुत पुराना मॉडल है, लेकिन यामा थोड़ा सा ऐसा गाड़ी होता है ना कि उसका इंजन बहुत वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पिकअप हाई होता है, और ड्यूरेबल होता है इंजन, ये चीज़ होता है। बिल्कुल। तो इसका डिमांड 33,000 है, 2016 मॉडल। 12 मॉडल 2012 मॉडल सॉरी। प्राइस ले जाते क्योंकि इसकी कंडीशन वैलेंट कंडीशन तो इसका पूरा मतलब बहुत ही अच्छा कंडीशन है। आपको थोड़ा सा भी इसमें स्क्रैच आपको देखने नहीं मिलेगा, पूरा एकदम देखो रेड कलर का है और रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है। और जो है कि इसमें एमएस की भी चाहिए तो हमारे पास टीवीएस की स्पोर्ट है, ये 2018 मॉडल है। ये तकरीबन आपको पड़ेगा 33,000 के आसपास, 33,000 का। हाँ जी। कितना किलोमीटर ड्राइविंग है? ये एक लीटर पे आपका तकरीबन 85 किलोमीटर चलता है। अच्छा 85 किलोमीटर 1 लीटर तेल पे। मतलब कि यहाँ से आप हरिद्वार आप चले जाओगे देहरादून से 1 लीटर तेल में। बहुत ही अच्छा डील होने वाला है। जो माइलेज है वो नापा हुआ है हमारा खुद का। हाँ 1 लीटर तेल में 85 किलोमीटर चलेगी। डिमांड से कितना बताएं? ये है आपका 33,000 2018 मॉडल है। 2018 मॉडल कितना ड्राइविंग होगा, कितने किलोमीटर? ये तकरीबन आपका ये 10,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर चला हुआ है। तो आप ये भी ले सकते हो। और यहाँ पे एक पल्सर लगा हुआ है, ये आपका 2010 मॉडल है ना? 2010 मॉडल। हाँ जी। इसका डिमांड क्या है? 24 के आसपास। 24। हाँ जी। तो गाइस देखो 24 में आपको पल्सर यहाँ मिल रहा है, मतलब कि एक अच्छा डील आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही सही चीज़ है कि अगर आप आते हो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, 2 साल 4 साल के लिए, तो ये सब बाइक लेकर स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे। और बहुत ही कम प्राइस में एक अफोर्डेबल आपको बाइक मिलने वाला है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा डील है। तो आप आके विज़िट कर सकते हो ये चीज़ को। और इसके अलावा आपके पास कुछ और नई बाइकें भी हैं जो बहुत कम ही चली हैं, तकरीबन जैसे कि 6,000 7,000। पल्सर है 2021 मॉडल 2021 मॉडल है पल्सर 150 फर्स्ट हैंड गाड़ी है 2021 मॉडल। हाँ जी। मात्र चलिए ये आपका ये देख लीजिए, आप मीटर देख लीजिए 6,918 किलोमीटर ओनली। 6,900 बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, चला है बिल्कुल बिल्कुल। और 2021 मॉडल। डिमांड इसका कितना है? 90,000 डिमांड है। 90,000। और नई जो गाड़ी है तकरीबन 140 के आसपास। हाँ 140 की तो आई। तो 6,000 कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है। नहीं तो वो तो और एक स्क्रैच भी आपको बाइक में देखने मिलेगा, पूरा एकदम मिंट कंडीशन है बाइक है। डबल डिस्क मिलेगा आपको इसमें, डबल डिस्क ABS तो होगा ही, बिल्कुल ABS भी है बिल्कुल। 150 और गुड माइलेज है, 45 के आसपास 45+ माइलेज है। देखो आपको यहाँ पे माइलेज भी मिलने वाला है, कंडीशन भी मिलने वाला है एक बजट प्राइस के अंदर। तो आप विजिट कर सकते हो यहाँ पे। अभी और भी बाइक कुछ यहाँ पे आगे लगा हुआ वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब स्पोर्ट टाइप में है, स्पोर्ट बाइक में है। तो यहाँ पे एक और पल्सर दिखा है हम लोगों को, 2015 मॉडल आपका 2015 मॉडल। डिमांड इसका कितना है? इसका है आपका 45,000 रुपये। 45,000। हाँ जी। और कितना किलोमीटर चला हुआ है? ये सर आपकी 43,000 45,000 ये चला हुआ है। और डिमांड इसका कितना बताएं? 45 डिमांड। ओके। बाकी ये प्राइस ऐसा नहीं है कि फिक्स है, अप डाउन भी हो सकता है। और आप लेने के लिए आओगे तो थोड़ा सा आप आपको कर दिया जाएगा। हाँ मतलब कि ऐसा नहीं है कि। और भैया मतलब बहुत अच्छे लगे हमको, मतलब इनसे मिल के बात करके, तो आपको बहुत अच्छा डील मिलने वाला है। और एक FZD भी उधर लगा है, उसका भी आप बताइए। हाँ जी। ये 2000 आपका ये कौन सा मॉडल है खली भाई? 19। ये 19 मॉडल है, ये 2019 मॉडल है। क्या डिमांड है इसका? 58,000 रुपये। 58,000। ये UK 14 नंबर है, यानी कि ऋषिकेश का नंबर है। ऋषिकेश का नंबर है, ऐसा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। उत्तराखंड में UK का इसका भी नंबर ले सकते हो आप। हमारे लिए ऐसा होता है क्योंकि UK का भी बहुत से स्टूडेंट आते हैं हरिद्वार वगैरह से, कहते हैं वहाँ का नंबर चाहिए, तो वो नंबर भी हम रखते हैं। हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, या UK 10, UK 15, उत्तरकाशी वगैरह, पहाड़ वगैरह का सबका नंबर मिल जाएगा हमारे पास। तो अच्छा एक चीज़ आप बताइए, सबसे आपका लोएस्ट यहाँ पे कोई अगर बाइक लेना चाहेगी सबसे कम प्राइस में तो कितना तक के मिल जाएगा? 15 से 20 के। 15 से 20 में यहाँ बाइक मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। कौन सी बाइक? जिसका बाइक 2014 मॉडल। हाँ 2009 मॉडल। हाँ 2009 मॉडल है, 135 cc में है। हाँ प्लस आपको इसमें पिकअप मिलेगा। हाँ एवरेज बहुत अच्छा मिलेगा, 55 का एवरेज मिलेगा। और इसकी डिमांड क्या है खली भाई? 22,000 रुपये। 22,000 में। गाइस तो देखो इतना लोएस्ट प्राइस में आपको यहाँ पे बाइक देखने को मिलेगा, तो आप आके ले सकते हो, बहुत ही अच्छा बजट प्राइस में आपको मिलेगा। तो और कुछ बातें हैं जो अभी अंदर जाके कर लेते हैं, जो कि मेन बात है कि क्या प्रोसेस है सारा कुछ, और कैसे आप ट्रांसफ़र करा सकते हो, कोई EMI अवेलेबल है कि नहीं, तो ये सब बात हम अंदर चल के करते हैं। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले ये बात करते हैं कि यहाँ पे किसी को एक बार पे नहीं कर पा रहा है तो ये हमारी ऐसा पे अवेलेबल है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है, हमारे यहाँ फाइनेंस फैसिलिटी है। फाइनेंस फैसिलिटी किसी का बजट एकदम देने का नहीं है तो वो हाफ पेमेंट करके या कुछ परसेंट करके तो गाड़ी ले जा सकता है, वो आपको फाइनेंस हो जाएगी यहाँ से आपको। अच्छा तो मतलब कितना, अगर जैसे कोई 50,000 तक का बाइक लेना चाहता है तो उसको कितना तक 20,000 कर सकते हो। अच्छा, बाकी आपका सारा EMI पे चला जाएगा। तो कितने महीना का मैक्सिमम EMI आपके अकॉर्डिंग है, आप जितना ज़्यादा दे। हाँ वही बता रहे भैया ना, जितना ज़्यादा आप अमाउंट दोगे तो जल्दी उतर जाएगा, अगर आप धीरे धीरे अमाउंट दोगे वो थोड़ा टाइम रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और लेने के लिए हमारी क्या क्या डिमांड होगा, मतलब क्या क्या लगने वाला है? वही आपका ID प्रूफ वगैरह चाहिए होता है, लोकल ID। बिल्कुल। और अगर कोई इलेक्ट्रिक बिल दे के चाहे लेना तो इलेक्ट्रिक बिल उसका नहीं होता है। अच्छा, मतलब कोई लोकल ID चाहिए, मेन चीज़ ये है ना, क्योंकि लोकल बंदे के लिए जल्दी इजिली जैसे होता है रेंट एग्रीमेंट वो चल जाता है। देखिए एकदम बेसिक तौर पे, मतलब अगर काम नहीं बन रहा है तो रख सकते हैं। नॉर्मल ID आपको लगेगा, जो भी आपका ID होता है, आधार, पैन और बिजली का बिल, ये सब। और एक लोकल कोई ID प्रूफ आपको लगेगा, क्योंकि फाइनेंस में ये थोड़ा सा ये चीज़ होता है। तो ये सब होने वाला है और आपको मतलब यहाँ पे हर तरह का बाइक मिलेगा। अगर जैसे किसी को KTM या फिर ड्यूक के सब मॉडल सब मिलता है, आप अवेलेबल करवा। बिल्कुल मिल जाता है, क्योंकि जो हमारा है हम एजेंसी से गाड़ी उठाते हैं। अच्छा। हाँ जी, जो एजेंसी में एक्सचेंज होती है वो गाड़ी हमारे पास आती है, तो वहाँ पे KTM वगैरह, आपका NS वगैरह, स्पोर्ट्स बाइक वगैरह सब आती है हमारी A to Z गाड़ी। कितना टाइम लगेगा, जैसे कोई डिमांड करता है तो कितना अवेलेबल आप करवा दीजिए? 2-4 दिन के अंदर हो जाता है, 2-4 दिन के अंदर अवेलेबल करवा दीजिएगा। अच्छा, तो देख लो आप लोग, मतलब अच्छा है कि आपको डील मिलेगा यहाँ पे। और सब उसके बाद आप लोकेशन का बात कर लेते हैं कि अगर इस वाले शोरूम में आपको आना है तो आपको कहाँ आना होगा, तो भैया एक बार लोकेशन आप बता। सर ये हमारा चकराता रोड पे है, ये आपका शनिदेव मंदिर के पास, इनाम ऑटो के नाम से। इनाम ऑटो गूगल मैप पे अगर कोई सर्च किया तो लोकेशन है आपका। बिल्कुल, तो आप गूगल मैप पे इनाम ऑटो सर्च कर सकते हो, ऐसे जो कि गूगल मैप का लिंक होता है, आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और साथ में भैया का नंबर भी डाल देंगे कि आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर विजिट कर सकते हो। बिल्कुल। और भैया मतलब कोई आते हैं और कहते हैं कि मतलब मेरे वीडियो देख के आए, थोड़ा उनको सही प्राइस लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र आइए, आपको देखे प्राइस की भी गारंटी हम देते हैं और आपको गाड़ी की भी गारंटी हम देंगे। आप ले आओगे तो आपको चीज़ भी अच्छी मिलेगी, आप याद करोगे हमें। इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए, मतलब प्राइस भी मिल रहा है, गारंटी भी मिल रहा है बाइक पे और एक अच्छा डील मिलने वाला है। तो आप लोग एक बार जरूर आओ, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके, और बहुत सारे बाइक का वेरिएंट मिल जाएंगे। यही था आज के ब्लॉग में, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और जाके डिस्क्रिप्शन में नंबर, वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट करना, भैया को कॉल करके भैया से कॉन्टैक्ट करना, आपको अच्छा डील यहाँ पे मिलने वाला है। थैंक यू।